राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह 7:30 बजे का टाइम। यहाँ मैं काट रही हूँ मेथी, और मेथी को चाकू से जब काटते हैं तो उतनी बारीक नहीं कट पाती, इसलिए मैंने हसिया लिया हुआ है। और चाकू से भी कट जाती है, लेकिन इससे बहुत अच्छे से कट जाती है। तो मैंने सारी काट ली, आलू मैंने पहले ही काट लिए थे, और बस अब मैं रख रही हूँ सब, क्योंकि अभी इसको एक बार फिर से धुलूँगी। वैसे मैंने शाम को धुल के रख दी हुई थी, और अब धुल के इसको बनाएंगे। और आज मेथी आलू बनाने का बहुत मन था, तो इसमें टाइम ज़रूर लगता थोड़ा काटने वगैरह में, वरना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो वह मैंने काट के रख लिया है, और अब चलिए चलते हैं, मेथी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने बाल्टी में धुल ली है, और ये डलिया में निकाल ली है पूरी मेथी, और आलू मैंने पहले ही धुल के काट लिए थे। यहाँ देखिए मेरी कढ़ाई हो चुकी है, मिर्च और जो मैंने जीरा वगैरह डाला था, और यहाँ डाल दिए आलू। आलू को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, और इसके बाद में सारे मसाले डालूँगी मैं। आलू को फ्राई कर रही हूँ, और अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले जो हैं वो डाल देती हूँ। और मसाले के साथ मैंने आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, और इसके बाद में अब मैं इसी में डाल देती हूँ मेथी, और बस थोड़ा देर इसको मेथी को इसी के साथ में मिक्स करेंगे। और मतलब जितनी ज़्यादा होती है ना, मिक्स करते करते चलाते वो एकदम कम सी हो जाती है। और यहाँ मैंने डाल दिया है नमक, और बस अब इसको ढक देंगे, और बस सब्ज़ी मेरी थोड़ी देर बन ही जाएगी, और सेकनी है रोटियां। और ये देखिए, मैं स्कूल से लौट के आ रही थी, तो मैंने क्या देखा, मैंने थोड़ी सी क्लिप ली, देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब एकजुट होके रह रहे हैं, मुझे बहुत। देखिए मैं गई हुई थी, कितने कपड़े पड़े हुए हैं, ये साड़ी मुझे तह करके रखनी है, और मैंने बस थोड़ा देर पहनी है, इसलिए मुझे ये मैंने आप लोगों को दिखाई थी, मैंने तीज में पहनी हुई थी, और मेरी फेवरेट साड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सब ये कपड़े तह करने को रखे हैं, तो मुझे भी तह करने हैं। और किचन डली है इतनी गंदी, किचन साफ़ करनी है, दूध है तो दूध जमाने के लिए रखा हुआ है, बहुत सारा काम मेरा भी है ना फैला हुआ, आप लोग देख सकते हैं किचन मेरी ऐसी बाजार जैसी फैली हुई है, क्योंकि सुबह मुझसे जितनी जल्दी होता है ना, बहुत मतलब आप लोग सोचते होंगे कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि दीदी आप कब जाती हैं, कैसे जाती हैं, तो मुझे मालूम है मैं कैसे मैनेज करती हूँ। घर में आके आती हूँ ना, तो ये देखिए ऐसे बाजार खुली मिलती है मुझे पूरी, और यहाँ देखिए ये बर्तन घुसे हैं पूरे, अब ये मुझे सब समेटना है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर जगह का काम नहीं है, जॉब का भी बर्डन है, घर का भी बर्डन है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हमें सारे निपटाने होते हैं, भाई शिकायत भी कैसे करेंगे, कोई तो है नहीं, करना खुद को ही है। तो बस चलिए चलते हैं, कर लेते हैं, अभी लगानी है झाड़ू, और मुझे अभी कपड़े तय करके सारे रखने हैं, कपड़े पूरे बेड पे फैले हुए हैं, और मैं सोच रही थी बस, लेकिन नहीं कर पाई। और अभी मुझे यहाँ से निपट के तुरंत किचन में लगना है जाके, क्योंकि ये बोल रहे थे कि कोई आने वाला है, लेकिन मैं सोचा अभी टाइम है, तब तक मैं ये वाला काम कर लूं। नहीं हो पाएंगे, आ रही हूं। और ये आवाज़ दे रहे थे ना, तो बाहर इसीलिए बुला रहे थे, इनके पास कॉल आया था कि कोई मेहमान आने वाला है, खाने की जल्दी से तैयारी कर लो। तो यहाँ अभी है मेरे पास टाइम, इसलिए मैंने जल्दी से मूंग की दाल गला दी है। मूंग की दाल ऐसी होती है बहुत जल्दी गल जाती है, टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, तो मैंने एक साइड मूंग की दाल गला दी है। तब तक क्या मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, खीर है, सब्जी है, और यहाँ धुल रही चावल, तब तक क्या है ना मेरी दाल अच्छे से गल जाएगी। और इन्हें ना मूँग की दाल के मंगौड़े बहुत पसंद हैं,
वे बोले थे मगर ये ज़रूर बनाना, मैंने कहा उसमें टाइम लगेगा, बोले नहीं गला दो तब तक तो वो गल जाएगी। तो मैंने खीर वगैरह बनाई, तब तक मेरी दाल गल गई है तो मैंने पीस ली है, और पीसने के बाद में सारी धनिया मिर्च ये सारी मैंने काट के पहले ही रख लिया है। तो यहाँ देखिए मेरी इंडक्शन में बन रही है खीर, सब्जी मेरी बन ही चुकी है, पकी चुकी लगभग। और यहाँ दाल मैंने पीसी हुई थी ना, उसमें मिर्च हरा धनिया ये सब मैंने डाल दिया है, और मंगोड़े भी सेक देते हैं, निकाल देते हैं। सूखी मिर्च भर मैंने डाली है थोड़ी, बाकी मैंने हरा ही सब कुछ डाला है। तो अब नमक मैं बाद में मिलाती हूँ जब निकालना होता है, अगर नमक पहले से मिला देते हैं तो उसमें पानी छोड़ने लगता है, एकदम पेस्ट पतला हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे गर्मा गर्म मंगोड़े सेके जा रहे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी कि जैसे मैंने आप लोगों को उस वीडियोज़ में बताया था कि मैं बुआ बनने वाली हूँ, तो आप लोगों को, कुछ लोगों को तो पता ही होगा, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं बताने वाली हूँ कि अब मैं बहुत जल्दी मौसी भी बनने वाली हूँ। मतलब एक गुड न्यूज़ के साथ साथ में डबल गुड न्यूज़ है, और बस ये है कि पहले कौन सुनाएगा, तो पहले भाभी सुनाएंगी, इसके बाद में रमा का रहेगा। तो हमारे साथ में दो दो गुड न्यूज़ है, यानी मैं बुआ के साथ साथ में कुछ दिनों बाद मौसी भी बन जाऊंगी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को आज बता दूं। और हालांकि जब मेरी बात होती रहती है तो बता रही थी कि उसको हल्की फुल्की दिक्कत है, उसने बराबर ट्रीटमेंट भी ले रही है, और भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान बहुत जल्दी उसको सारी जितनी दिक्कतें हैं दूर कर दें, और जल्द से जल्द खुशखबरी मिले। और खुशखबरी का तो ये तो जितना टाइम है पीरियड के बाद में ही मिलेगी, लेकिन बस जो है बढ़िया अच्छा ठीक ठाक रहे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और रही जो नीलम का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो बहुत ही संकोच वाली है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा जब वो बात करती है ना, इसी तरीके से बात करती है, मतलब उसे ये लगता है कि मतलब झिझकती है वो, एक तो कैमरा फेस करने में झिझकती थी और फिर भी इस वाले मैटर में। और नहीं, अक्सर मैंने देखा है कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो आती हूँ कि उस चीज़ को एकदम से हाईलाइट करके रख देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो ऑटोमेटिक प्रेगनेंसी है तो गुड न्यूज़ तो आएगी आएगी, लेकिन उसको एकदम से वो बना के रख देते हैं, रोज उसी अलग डोरा पीटते हैं। तो शायद मेरी भाभी को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो उसने नहीं बताया, तो इसलिए मैंने भी नहीं बताया। तो कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपने तो बताया ही नहीं है, तो हाँ जी मुझसे आप गलती मान लीजिए कुछ भी है जो मैंने नहीं बताया। तो मुझे यही लग रहा था कि जब वो नहीं बता रही तो शायद मैं बता दूं तो उसे ना लगे कि दीदी ने क्यों बता दिया, मैंने नहीं बताया संकोच बस, और ऐसा कुछ नहीं है, खुशी तो बहुत होती है, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी है, वो भी डबल गुड न्यूज़ की के। और मैं बताऊँ ना, इधर उधर सारी मतलब कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम लोग सुनते हैं, अच्छी गुड न्यूज़ सुनते हैं ना, तो अपनी आधी बीमारी तो हमारी वैसे छू मंतर हो जाती है, बीमारी तो है ही, जो लगी है वो तो है ही, लेकिन यह है कि यहाँ कुछ देर तक सारी चीज़ भूल जाते हैं, हम उसी में खो जाते हैं। मेरे साथ क्या सबके साथ में ऐसा होता है कि हम परिवार से संबंधित कहीं से भी गुड न्यूज़ सुन लेते हैं तो अपना दुख दर्द जो है वो भूल जाते हैं, और हम महिलाओं का तो ऐसा ही होता ही है। तो बस ये हो, चलिए आप लोगों से बातें। और अब बज रहा है रात का 8:30, तो यहाँ मैं टैबलेट सारी लेके आई थी, क्योंकि गोलू को जुकाम है, जुकाम की वजह से हल्का फीवर भी आ गया, तो वही मैं सारी दवा लेके आई हूँ उसको देने के लिए। मैंने कहा दवा दे के इसको सीधे लिटा दें, उड़ के सो जाएगा ना तो इसे ठीक लगेगा। बार बार बोल रहा था कि मम्मा बहुत प्यास लग रही है, ज़ोरों से प्यास ही भी बुझ रही, और इसको देखा मैंने छू के तो गर्म भी हो रहा था, यानी फीवर ऐसे हल्का अंदर से, तो बस मैं वही सारी दवाएँ दे रही हूँ इसे। और ये ठंड स्टार्ट ही हो रही है ना, तो ऐसे में बहुत ही संभल के रहना होता है, लेकिन बच्चे लोगों को कितना भी समझा दीजिए, कपड़े गुस्सा करके पहना भी दीजिए उतार देते हैं, वही ठंड जो लग जाती है। और यहाँ मैंने लगा दिया है प्रेस, और अभी बज रहा है 9:30, और यहाँ मेरा प्रेस रखा हुआ, प्रेस गर्म हो रहा है, तब तक मैं ऊपर से सारे कपड़े उठा रहा हूँ, क्योंकि रात के जितने कपड़े सब गीले हो जाएंगे, तो ये तब तक गर्म हो रहा है, अभी तो ये गरम नहीं हुआ शायद उतना, अभी ये हो रहा है गरम, तब तक मैं जल्दी से कपड़े उठा ला रही हूँ, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। चलिए कपड़े लिया, ठंड लग रही है काफ़ी, और ऊपर चल रही है हवा, तो
ऊपर हो रहा है अंधेरा बिल्कुल, देखिए। तो फ्रेंड्स यहीं पे कर लूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा थोड़ा सा बिछाए लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।